सो वेलकम बैक गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैं से काफ़ी लोग कह रहे थे गेमों पे अभी तक जो की मैपिंग वर्क नहीं कर रही और आप भी गेमों पे वीडियोस डालना छोड़ गए, तो गेमों पे थोड़ी सी वीडियोस डालो कि वो लो एंड पीसी के अंदर कैसे स्मूथली चल सकता है। तो मैं से जो भी लोग जिनको लैग इशू आ रहा है उस पर लैग इशू पे सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई गेम लूप की, तुम लोग वॉच कर सकते हो। और अगर तुम गेम लूप यूज़ नहीं भी करते तो भी वो वीडियोज़ तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी, तो लाजमी वॉच करना। तो जो इस वीडियो का टॉपिक है वो ये कि की मैपिंग सॉल्व क्यों नहीं हो रही, सही क्यों नहीं हो रही और कब सॉल्व होगी और मैं किस सिमुलेटर पे प्ले कर रहा हूँ। तो मैं गेम लूप पे प्ले कर रहा था, कुछ टाइम तक प्ले मैं करता रहा, बट जब मैंने जो है वो पीसी चेंज किया तो मैं जो ब्लू स्टैक पे शिफ्ट हुआ और मैंने कहा यार ब्लू स्टैक पे ट्राई करता हूँ कि कैसी गेमिंग की जा सकती है, स्मूथ है कि नहीं। तो मैंने ब्लू स्टैक ट्राई किया और ब्लू स्टैक पे जो गेमिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी, ना माइक इशू था ना की मैपिंग इशू थी, कोई इशू नहीं है ब्लू स्टैक पर, बट थोड़ा सा तुम्हारा पीसी जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा पीसी है तो ही ब्लू स्टैक पर जाना, वरना ब्लू स्टैक पर जाने की तुम लोग हिम्मत ना करना, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर तुम लोग ब्लू स्टैक पर गए और तुम्हारा लैग फेस हुआ, तुम्हें लैग हुआ तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी और तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा तुम गेम लूप पर ही रहो, नॉर्मल की मैपिंग यूज़ करो। तुम्हें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी स्मार्ट की मैपिंग वर्क कर भी रही होगी, तो जिनकी वर्क करी है वो कमेंट में लाजमी बताना और बताओ कि कैसे वर्क करी है। एक दो मेथड है मैं तुम लोग को अभी बता देता हूँ। एक मेथड है तुम लोग गेम लूप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो, एंड सेकेंड मेथड है तुम लोग जाओ की मैपिंग को रीसेट करो। पहले रीसेट करके ट्राई कर लेना, देन जो पिछले वाला मेथड भी ट्राई करना, इन दोनों में से कोई ना कोई मेथड तुम्हारा वर्क कर जाएगा जिससे तुम लोग जो की मैपिंग सही कर लोगे और तुम लोग जो खेल पाओगे। वरना नॉर्मल की मैपिंग पे प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है, उस पर सेम ही प्ले किया जा सकता है जैसे जो तुम लोग स्मार्ट की मैपिंग पे प्ले करते हो। तो थोड़ा सा इशू है बस, ऑटोमेटिकली वो उसको लॉक अनलॉक नहीं करता, बाकी सारा सेम ही है। तो तुम लोग पूछ रहे थे कि मैंने पीसी अपग्रेड किया है कि नहीं किया, उसके बारे में मैं तुम लोग को इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे देता हूँ। पीसी मैंने अपग्रेड कर लिया है, स्पेक्स क्या है मेरे पीसी की वो मैं एक वीडियो में बताऊंगा, पीसी अच्छे से तुम लोग को दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा पीसी बनवाया है और इसके अंदर ब्लू स्टैक बाकी सब चीज़ें मक्खन एकदम बहुत कमाल की चलती हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे इसको और जानने में, तो तब तक मैं तुम लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाला नहीं हूँ। और बाकी मैंने जो, अगर तुम लोग भी कोई पीसी बनवाना चाहते हो, इतना अच्छा कोई इतना हैवी पीसी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग एक बजट पीसी बनवा सकते हो जिसके अंदर गेमिंग करो। मैंने तो एडिटिंग के लिए बनवाया तो थोड़ा सा हैवी बन गया, तुम लोग जो एक अच्छा बजट पीसी बनवा सकते हो अगर बनवाना चाहते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियोज़ का और आई बटन पर भी आ रहा होगा, तुम लोग उन वीडियोज़ को लाजमी चेक करना 10,000। उसके बाद मैंने जो है एक लैग की बिल्ड भी बताई है, वो तुम लोग लाजमी ट्राई करना, एक लैग पता नहीं 1.5 लैग वो तुम लोग ट्राई करना। और इसके अलावा अगर तुम लोग कुछ और पूछना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो, साथ में गेम खेलना चाहते हो, डिस्कॉर्ड के लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल के साथ कनेक्टेड है, डिस्कॉर्ड पर आकर तुम लोग मुझसे कोई भी बात करना चाहो बहुत ही ईजिली कर सकते हो। गेमर्स चैट को टैग करके कोई मैसेज करो, मैं ईजिली तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, एक दिन में दे दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं एक दिन से ज़्यादा डिस्कॉर्ड बंद नहीं रखता, मैं चेक करता रहता हूँ। अगर मेरे किसी से सब्सक्राइबर या किसी दोस्त का मैसेज आया हो तो मैं उसको लाजमी रिप्लाई कर दूंगा। ओके बाय बाय। मिनता ना मिले आए जो मिले आए।